नमस्कार, स्वागत है आपका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद अब उनके जो डॉक्टर हैं जो इस पूरे के पूरे मसले पर नजर रखे हुए हैं, शीन कोनले, उन्होंने अब ये साफ तौर पर कह दिया है कि अब जो शनिवार को उन्हें रैली करनी है फ्लोरिडा में, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से तैयार है। मतलब अब जो पहले संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिकवर कर गए हैं और वो जनता को संबोधित कर सकते हैं। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम हुआ है इसे अभी शनिवार को एक हफ्ता होना है, लेकिन इसके बावजूद जबकि दुनिया भर के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस का जो असर है वो 10 दिन तक रहता है या कम से कम 9 दिन तो रहता है, ऐसे में ट्रंप का 7 दिन में ही पब्लिक जो है रैली में जाना, ये अपने आप में थोड़ा सा चकित जरूर करता है। या फॉर दैट मैटर, अगर वो अपने यूएस जो उनका व्हाइट हाउस है खासतौर पर, क्योंकि वो अब एक और ज्यादा सुरक्षित माहौल में रहेंगे और ज्यादा बबल के अंदर रहेंगे, तो ऐसे में जब वो बबल के अंदर रहेंगे तो क्या उस बबल का हिस्सा जो है वो व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारी भी तो होंगे। ऐसे में ट्रंप का इस तरह से बाहर निकलना निश्चित तौर पर, इस पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं, लेकिन इस पूरे के पूरे मसले को आपको समझा देते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि लगातार अब 3 तारीख को जो है, 3 नवंबर को जो है वो चुनाव भी है, एक महीने का वक्त भी नहीं बचा है अमेरिकी जो राष्ट्रपति चुनाव है उनमें, और ऐसे में पहला जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच, उसमें खबर तो यही निकल कर आई है कि जो बाइडेन जो है वो लीड कर रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप जो है उस पूरी की पूरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो टीवी डिबेट होती है उसमें पिछड़ते हुए नजर आए, हारते हुए नजर आए। ऐसे में 15 तारीख को जो अगली डिबेट थी यानी 15 अक्टूबर को, उस डिबेट में हिस्सा लेने से तो फिलहाल ट्रंप ने इन्हीं कारणों की, कोरोना कारणों की वजह से मना कर दिया। हालांकि उसको लेकर के ये भी कहा गया था कि वो बिल्कुल टाउन हॉल की तरह होगा। टाउन हॉल मतलब आप जो है वो वर्चुअली भी एक दूसरे के साथ बहस कर सकते हैं, एज कंपेयर की आप दोनों आमने सामने आकर बहस करें। तो जो बाइडेन पहले वाले डिबेट में आगे लीड कर रहे थे, उसके बाद अब ये जो 15 तारीख को डिबेट होना है इसको लेकर के अभी तक जो व्हाइट हाउस की तरफ से बात कही गई है वो यही है कि ट्रंप अभी इस पे हिस्सा नहीं लेंगे, शायद वर्चुअली भी ऐसा नहीं होगा अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसके बाद अगर इस पर कुछ अपडेट आएगी तो हम आपको निश्चित तौर पर बताएंगे, लेकिन ये जो टेलीविजन डिबेट होनी थी इसमें पहले में हमने आपको बताया कि कैसे ट्रंप पिछड़ते हुए नजर आए और जो बाइडेन लीड कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि अब ट्रंप के डॉक्टर के हिसाब से वो अब पूरी तरह से फिट है, उनका जो पल्स है वो बिल्कुल ठीक है, हार्ट रेट बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उनकी बॉडी में, वो जो इनटेक कर रहे हैं विदाउट एनी आर्टिफिशियल जो आर्टिफिशियल हेल्प के, वो 94 से ऊपर है। और इसके साथ साथ जो कोई भी लक्षण अगर आप कोविड का देखें तो वो उनमें नहीं पाया गया है। मलानिया को लेकर अभी कोई बात सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन पोटस, जैसे अमेरिका में जो व्हाइट हाउस के अधिकारी होते हैं वो पोटस ही नाम से बुलाते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति को, उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो पोटस इस वक्त पे पूरी तरह से ठीक है उनके अनुसार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ट्रंप से रिलेटेड जो भी जानकारी सामने आएगी, अमेरिकी चुनाव से लेकर हर बड़ी खबर आपको यहां पर मिलेगी। तो पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए निश्चित तौर पर, लाइक कीजिए वीडियो को, कॉमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।